बागेश्वर धाम में ट्रैफिक पुलिस और बागेश्वर धाम के द्वारा सामूहिक यातायात नियमों को लेकर महाअभियान की शुरुआत की गई और इसी दौरान एक मुस्लिम ई रिक्शा चालक को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रोक लिया। इस दौरान उन्होंने पूछा कि तुम्हारा लाइसेंस है, तो रिक्शा चालक बोला नहीं, जिसके बाद उन्होंने उसका नाम पूछा और कहा कि पहले लाइसेंस बनवाओ और उसके बाद रिक्शा चलाना, क्योंकि आपके हाथों में सारी सवारियों की जिम्मेदारी है, फिलहाल अभी तुम्हारा चालान कटेगा। लगभग बागेश्वर धाम पर 1000 ऑटो संचालक, ई रिक्शा संचालक, कार्स, बस लाने वाले लोग, बागेश्वर धाम पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, अव्यवस्थाएं होती हैं, मदरा पीकर चलाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं और अत्यधिक किराया वसूली करते हैं। टीओपी सब लोग थे, उनके साथ मिल करके ग्राम पंचायत समिति गड़ार ने, जो बागेश्वर धाम का भी संचालन करती, ग्राम पंचायत ने और हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि वाहन ड्राइवर्स मदरा पान करके नहीं चलाएंगे।